टेस्टिमनी शेयर करने से पहले इली की जर्नी बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट हुआ मैं इली के थ्रू. आई वॉज वर्किंग इन दुबई फॉर 6 ईयर्स. आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर बाई प्रोफेशन. और अवनीश जी जो हैं हमारे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड एक तरीके से, मुझसे उम्र में बड़े हैं वो. बट जब मैं उनसे कॉल के थ्रू कनेक्ट हुआ दुबई में ड्यूरिंग फर्स्ट कोविड, तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसा क्या है सब कुछ. तो मैंने कहा मैं फंस गया हूँ यहाँ पे बिकॉज फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो चुकी हैं तो मैं नहीं आ सकता. तो ही सेड कि लाइक मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और जर्मन मेड है, सब कुछ उन्होंने बताया. तो मुझे एक बार कोई हुआ कि अवनीश भैया को क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसा क्या नौबत आ गई कि इस चीज़ों पर काम करने लग गए. हर कोई पहले ऐसे ही सोचता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ. तो कोविड के बाद जब मैं इनसे मिला तो उन्होंने मुझे दिखाया डिवाइस. तो ठीक, पहले मेरे भी यही विचार थे कि ये ऐसी कैसी डिवाइस है जो इस तरह की चीज़ों पे भी काम कर सकती है, इस तरीके से चीज़ों को ट्रीट करा जा सकता है, स्पेशली आपके डिजीज़ को. देन लास्ट ईयर की बात है, आई मेड अप माई माइंड एंड मैंने ऑफर के अंदर जो है प्रोफेशनल डिवाइस ली जो टॉप एंड वेरियंट है हमारा. और आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. पहले मैंने अपनी फैमिली के अंदर यूज़ किया, मेरी मदर जो है उनको स्लिप डिस्क है. और पहले मैंने इसके बारे में स्टडी भी किया साइमल्टेनियसली, इसके बारे में जो है पढ़ा बहुत कुछ. और स्पेशली मुझे अवनीश जी ने बहुत मदद की इसके इस चीज़ के अंदर कि आप कहाँ से इसकी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, इसकी PDFs हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके खुद के वीडियोज़ हैं, वो मैंने देखे. और अब मैं बात करता हूँ टेस्टिमनीज की. ये जर्नी हुई यहाँ से स्टार्ट और मैं आता हूँ टेस्टिमनी के ऊपर. मेरी एक फ्रेंड है जिनकी दादी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी और शी इज़ 70-year-old लेडी. और जब मैं उनसे मिला तो उनके पास इतना बड़ा डब्बा था मेडिसिन का, जो सुबह के 5-6 गोलियाँ खाना, शाम को 5-6 गोलियाँ खाना, तब जाके उनको रिलीफ मिलता था. और मुझे कहती थी कि अगर आपने मुझे ये ठीक कर दिया तो बोले कि मतलब मेरी दुआएं आपके साथ हैं, जैसे कि ऑलरेडी बातें हुई हैं ब्लेसिंग्स के ऊपर. तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इसी से मुझे अगर ट्रीट कर देंगे और इससे मुझे इलाज हो जाता है, मेरे को सही लगता है, तो भगवान आपका भला करे. ये उनके जो वर्ड्स थे. अब इंडिया में क्योंकि हर कस्टमर पहले हर चीज़ को आजमाता है, मैंने कहा कि मैंने अवनीश जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा ऐसा मेरे पास एक केस है, ये लोग चाहते हैं कि मैं इनको पर्सनली जो है जाके ट्रीट करूं, पर्सनली हीलिंग दूं. अवनीश जी ने मुझे कहा कि केस बहुत क्रिटिकल है, 20 दिन भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, इस चीज़ की कभी कोई गारंटी मत देना या दिन मत बताना. देन अब मैंने कहा जब मैं किसी कस्टमर या किसी अपने जो मतलब पेशेंट है उनके अगर आप घर पर विजिट कर चुके हो ऑलरेडी और उन्हें आपने कह दिया है कि मैं ट्रीट कर दूंगा, तो वो पहले आपको हमेशा यही कहेगा. मोस्टली केसेस में हमें सुनने मिलता है कि आप पहले हमें इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, हमें फ़ायदा होगा तो हम लेंगे. अब क्योंकि एक तरीके से फर्स्ट ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि मुझे हीलिंग जो है देनी पड़ी. और आप यकीन मानेंगे कि 20 दिन मैंने अपनी डिवाइस से जो है उन्हें पर्सनली जाके सुबह शाम जो है ट्रीटमेंट दिया है. 20 डेज के बाद में उनसे खुद से पूछा गया कि क्या अब हम डिवाइस ले सकते हैं. उनके ये वर्ड्स थे कि हाँ डिवाइस अब ले लीजिए, मुझे इस चीज़ में फ़ायदा है. अदरवाइज मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक होंगी या ये मेडिसिन जो है मेरी कभी छूट पाएंगी. तो यही एक टेस्टिमनी थी जो मैं आपसे शेयर करना है. सेकंड जो है मेरी वाइफ को जो है रात को सोने के बाद में आंखों में से पानी आता था. तो हीली के आईसाइट प्रोग्राम और गोल्ड साइकिल की वजह से हमने जब उसको ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, विदिन 7 डेज हमें उस चीज़ में क्योर मिला. और अभी आज की तारीख में एवरीथिंग इज़ ओके, शी इज़ जस्ट परफेक्टली फाइन. तो और अभी तक तो मैं किसी डायरेक्टर या किसी लेवल पे पहुंचा नहीं हूं, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. और इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि मेरा YouTube चैनल है, उसे आप ज़रूर देखें, वहाँ शायद आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलने को मिलेगा, और जिसका नाम है हीली वर्ल्ड मितान. सो प्लीज़ डू चेक आउट माई YouTube चैनल. और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें. थैंक यू सो मच.